क्लाउड मैं बेसिकली मार्केट रिसर्च के ऊपर बात करूंगा थोड़े बहुत फिगर्स के पर बात करूंगा कर और मैं तुम लोग को बताऊं कि तुम लोग के लिए माशाल्लाह मैंने मेरे पास जो कंटेंट था पहले केडीपी का उसको मैंने रिवाइज करके बहुत ज्यादा डिटेल बहुत ज्यादा डिटेल्स ला रहा हूँ मैं और कुछ बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिक्स भी ला रहा हूँ कुछ चीजें बड़ी अच्छी शेयर करूंगा नॉट टूडे बट कुछ चीजें आज हैं और हर लेक्चर में कुछ उन चीजों में से काफी कुछ चीजें शेयर होती रहेंगी तुम लोग को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी एग्जैक्टली हाउ टू गो अबाउट डूइंग थिंग्स इन के राइट तो मैं ये समझता हूं कि मार्केट रिसर्च या रिसर्च से रिलेटेड जो ये वाला टॉपिक है ये तकरीबन आज की और नेक्स्ट क्लास में भी कवर हो रहा होगा एक सेकंड रुकिएगा जरा एक सेकंड रुकिएगा गाइस मैं आया जी <laughs> जी तो मार्केट एंड निश रिसर्च की जब मैं बात करूंगा तो हो सकता है हम हो सकता है सकता है डेफिनेटली हमारी तकरीबन दो क्लासेस तो आराम से जाएंगी अह उसका रीजन ये है कि केडी स्पाइ मेरे पास नहीं है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम लोग की रिसर्च के लिए ठीक है तो अभी फिलहाल मैं उसके बगैर जो जो चीजें मेरे पास है अवेलेबल वो मैं तुम लोगों को दूंगा और तुम लोग उसको यूज करके करो मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है हो सकता है आज रात हो सकता है कल तक जो है ना मेरे पास के डी स्पाय आ जाए तो फिर मैं वो चीजें भी डालना शुरू कर दूंगा मैं की की भी खोलूं साथ में या सो फिक्शन एंड नॉन फिक्शन एंड मैंने तुम लोग को बताया था कि नॉन फिक्शन कैटेगरी जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर है किसी ने आई थिंक तायबा ने एंड आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हु इट वाज बट आई थिंक इट वाज तायबा हु पुट अप अ वेरी नाइस क्वेश्चन इन द लास्ट सेशन उससे बोला था कि पब्लिक uh, डोमेन्स जो हैं uh, उसके ऊपर हम लिख सकते हैं या क्या स्कोप है उस पे तो क्योंकि मैंने पब्लिक डोमेन बुक नहीं लिखी तो पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं बिकॉज़ मैं मैं आई थिंक फिफ्टी परसेंट लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी कर, कुछ लोगों ने तो क्वेश्चन भी करा है जैसा तैयब ने क्वेश्चन करा था मुझसे कि पब्लिक पब्लिक डोमेन डोमेन के बारे में तो लोगों ने सर क्या होता है तो बोला था आई गेट बैक टू दैट लेकिन मैंने बेसिकली जो रिसर्च करी है वो इस चीज के ऊपर है कि उसके ऊपर लिखा जा सकता है कि नहीं क्योंकि मेरा आइडिया नहीं था ना क्योंकि मैंने लिखा नहीं था पब्लिक डोमेन के ऊपर तो आई हैड नो कि पब्लिक डोमेन के ऊपर कितना लिखा तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता पब्लिक डोमेन क्या होती है पब्लिक डोमेन वो बुक्स होती है। और मेजोरिटी कंट्रीज में एक रूल है कि अगर आज आपने कोई बुक लिखी है और आपको आप फिर वो बुक लिखने के कभी भी एक्स नंबर ऑफ इयर्स के बाद आप चल बसते नो मोर यू पर्सन इज लॉन्ग डेड आफ्टर द बुक इज आउट, राइट आफ्टर बुक इज आउट, हाउ लॉन्ग अप टू सेवेंटी जो फर्स्ट जनवरी आएगा जैसी वो बुक फिर पब्लिक डोमेन हो जाएगी कॉपीराइट्स उसके हट जाएंगे कॉपीराइट्स विल नॉट बी देयर, और ये बहुत कंट्रीज का रूल है ठीक है काफी कंट्रीज का ये रूल है सही है तो um, पहले तो ये दिमाग में रखो अभी मैं अब बात कर लूंगा आगे जाके पब्लिक डोमेन्स के ऊपर स्पेसिफिकली हाउस ऑफ रूल्स हैं कुछ उसमें क्या रूल है क्या हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते अभी इसके ऊपर बात भी कर लेंगे और भी कुछ सारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी बात कर लेंगे तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मैंने असल में तुम माशा जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मैंने आप सबसे बात करी भी है निश के ऊपर बहुत बार बात करी है अमेजोन के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा बात करी है फिर मैंने अमेजोन से कम हद तक Uh, जो बात करी इससे रिलेटेड वो मैंने शॉपिफाई पे बात करी है आप लोग से राइट right? और फिर मैंने आप लोग से यहाँ पे बात करी है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लेस टू प्लेस वो जो आप अगर एमेजोन में कर रहे हो एसोसिएट्स में कर रहे हो शॉपिफाई में कर रहे हो आप प्रिंट ऑन डिमांड में कर रहे हो रिसर्च के टेक्निक्स जो होते हैं ना वो आप रेप्लीकेट कर सकते हो इन एन बिजनेस मॉडल सही है दिस कैन वेरी वेल बी डन ठीक है पहली चीज दूसरी चीज निशेज भी मोर और लेस इन यूजली सेम रहती है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल ताकि चीजें डबल ना हो डुप्लीकेट ना हो बहुत ज्यादा

बट आई वॉन्ट यू गाइस टू लुक एट दिस वन एंड देन गो बैक टू दोल में जो है ना निश को और ज्यादा कवर किया तो पहली चीज तो ये ह, एक क्वेश्चन है आप सबके पास और ये एमेजोन एसोसिएट से भी आता हाउ नेोर निश बी गिव इट अ थॉट सो हेज द थिंग इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइज एंड पॉपुलरिटी ऑफ द निश दट यूर क्रिएटिंग अ बुक अबाउट Obviously, Malab, is is that if the niche not not popular at all, not at all, all, then there's no point writing in it. Aap ye bolte ho, for example, mujhe do sochne ka time इस बुक का कोई स्कोप नहीं है मैंने तुम लोग को बताया कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट गेमिंग दिस एंड दैट तुम लोग बात बताई ठीक है ठीक है अब मैं कोई बुक लिखता हूं टॉप टेन गेमिंग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और इंटरनेट पर ज्यादा अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी मतलब मेरी तो एक बुक पढ़ी भी है अब वो एक साल के लिए पढ़ी हुई है सही है मैंने तो थोड़े एवेंट्स कर दिए कर दिया वो कर दिया लेकिन अगर किसी ने उसका पेपर बैग लिया या हार्ड कॉपी लिया उसकी हार्ड कवर लिया

कि कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप लिखो नहीं लेकिन लिखने का एक सही टाइम होगा इस टॉपिक हो, हो, साल, साल हो गया मतलब मैंने अपना इतना मार्केटिंग का बजट लगा दिया है मैं किसी तरह रैंक ही नहीं हो पा रहा हूँ इसके ऊपर वही बात जो एसोसिएट्स में आती है वो बात ऑफ इधर भी एक पार्ट एसोसिएट्स का मैं बात नहीं कर रहा और मैं बाकी एरियाज की भी बात कर रहा हूं कि आप बिल्कुल जनरल कैटेगरी या ब्रॉड निश के ऊपर मत जाओ ठीक है नैरो डाउन करो माइक्रो निश में भी जाओ मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव द मार्केटिंग पावर टू पुल दैट ऑफ जो मैंने बात बोली आपको नाउ द फोर्थ पॉइंट बीइंग यू कैन स्टिल मेक मनी रैंकिंग वेल इन स्मॉलर निश इन राइटिंग अबाउट इन राइट अबाउट लूज बेलीवेट

कि यहाँ पे कोई शख्स है जिसने वेट लॉस के ऊपर अमेजोन एसोसिएट्स के ऊपर अपनी रिसर्च कर ली है उसके बाद कीवर्ड कंपटीशन वगैरह सब कुछ आ गया है उसने ए एच रस से करिए सी एम रस से करी है तो वहां पे उसको वो यूज करते हुए तो काफी सारे स्मॉलर डिशेज वैसे ही मिल जानी चाहिए उसको जो टेक्निक्स मैंने बताई है तुम लोग को इन द पास्ट उसके लिहाज से तो तुम लोग को बहुत सारी वैसे ही मिल जानी चाहिए अब जैसे कि मैं बात कह रहा हूं मैं जस्ट टू गेट गेट सम आइडियाज मैंने तुम लोग द पावर ऑफ फॉर बताया था फॉर <coughs> हो गया ये yeah, um, और फिर उसके बाद बी है um, एक टूल था जो मैंने आप लोगों को बताया था पब्लिक uh, नहीं हाउ सॉरी

तो तुम लोगों कुछ आइडियाज जनरेट हो सकते हैं कि और कौन सी ऐसी ज्यादा स्मॉलर डिशेज हो सकती है जिसके ऊपर मैं जाके बात करना स्टार्ट कर सकता हूँ ठीक है तो एक तो बात ये हो गई मैंने उधर से लेकर एग्जाम्पल दीजॉन से आई नो बट रिलेटेबल तो इस वजह से मैंने बोल दी तो फॉर दोन दे रिसर्च देव इन टू किंडल एंड दे कैन थिंक अबाउट यार वो जो मैं रिसर्च उधर करी है मैंने क्या मैं इधर भी करके देख लू थोड़ी

एंड आई नो समिंकी माई कस्टमर एक्चुअली जो बेसिकली ट्रेनिंग देती है फॉर पीपल नॉट इवन फोर्टी ट्रेनिंग देती है आई है कस्टमर फ्रॉम फाइवर एक्चुअली लिन वीमर दिसमेन सही है ये बेसिकली ट्रेनिंग देती है दिस इज न्यू सही आप बेसिकली वेट लॉस के ऊपर जो है अबव फिफ्टी के ऊपर वो बात करती है अबव फिफ्टी नॉट इवन फोर्टी एंड शी मस्ट बी अराउंड सिक्सटी इन फैक्ट हर सेल्फ सो दे को यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ रीडर्स आउट देर इन दैट कैटेगरी नॉट ऑब्वियसली नॉट एज मच एज वेट लॉस but you have to get the idea over here if you go about ranking yourself just on weight loss it'll take you a couple of years to get there so the question is i still want to get ranked on weight loss what do i have to do to get myself ranked on weight loss the thing is that i don't mind waiting for another two years three years but at the same time i'm ready to write more books

तो बॉटम अप अप्रोच वुड बी कि आप बेस से स्टार्ट करो और ऊपर की तरफ जाते रहो राइट एंड दैट मींस कि आपको पीक ऑफ द पिरामिड पहुंचना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट अ कपल ऑफ बुक्स ऑन अ वेरी स्पेसिफिक निश लेट्स सपोज 30 मे बी 20 बुक्स आउट देर यू हैव टू पब्लिश देम फिर उसके बाद स्टार्ट योर वे फ्रॉम ऑल द वे बॉटम एम टू स्लोली स्लोली थोड़ी ब्रॉड टॉपिक्स के ऊपर आते जाओ आते जाओ आते जाओ एंड लैंड आपको ऐसे बता रहा हूँ दूसरी चीज आप मुझे ये बोलते हो और मेरे खास अस्का ने मुझे लास्ट टाइम बड़ा अच्छा उसने मुझे बताया था कि उसने एक बुक लिखी है और, uh, so

वेट लॉस के अपने वो जनरल या ब्रॉड के ऊपर जो तुमने पूरी बुक लिखी हुई है बीस हजार पेजेस या दस हजार पेजेस या पांच हजार पेजेस की उठाओ उसको तोड़ो उसको और उसकी बहुत सारी बुक्स निकाल लो दिस इज एक्चुअली वॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट बिकॉज इनिशियली वो समझे कि यार हम तो जबरदस्त राइटर हैं और मैंने तुम लोग बता दिया यहाँ पर राइटर का हर वक्त काम नहीं होता होता है लेकिन पहला इंप्रेशन काउंट करता है अभी ई बुक की इंडस्ट्री में इवन बुक्स की इंडस्ट्री में पहला इंप्रेशन बहुत काउंट करता है बिकॉज जब आप लेस सपोज लिबर्टी बुक्स में जाते हो एंड यू सी सो मेनी बुक्स एंड यूर नॉट अ वेरी कीन बुक रीडर बट यू नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यार मुझे अब बुक रीडिंग हैबिट एडॉप्ट करनी है बिकॉज एन एवरेज सीईओ इन दिस वर्ल्ड एक मैं अच्छे सीईओ की बात कर रहा हूं एवरेज जो सीईओ हैं लिबर्टी बुक स्टॉल और वहां पर जाके देखते हो तुम लोग बुक्स तो तुम्हें क्या पता अंदर कॉन्टेंट क्या लिखा हुआ है नाइंटी परसेंट तुम लोग उसकी सब टाइटल और सब टाइटल ही देख रहे हो, गया और उसका कवर देख रहे हो गया। बोल लोगे की हाँ ये अच्छा लग रहा है मतलब ये ये मतलब इतनी अच्छी-अच्छी बेकार सा उसका कवर्ड हो और वो असल में कंटेंट लेके बैठा हुआ जो तुम्हारे लिए हो एंड तुम वो खरीदते नहीं हो एंड दिस हाईली लाइकली यही होगा एक्चुअली सो oh i'm sorry i've duplicated the content wait ठीक okay. है, so this is the one, yeah. so अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि rankings and their estimated sales and मैं ये कभी पहले Amazon Associates से Shopify के लिए नहीं कह पाया, मैं अगर तुम लोग से ये बोलूं कि let's say

पंद्रह हजार डॉलर खर्च करके वन हंड्रेड ट्वेंटी उसमें से प्रॉफिट जो हमारा निकलता है वो तकरीबन कोई थर्टी या थर्टी फाइवल दे सकता हूं कि यार इतने पैसे इन्वेस्ट करो तो इतने कमा लेते हो ऐसा कहीं भी कोई रूल नहीं है एंड मै जस्ट सो दैट यू गाइज गेट देंग ऑफ इट ऐसा कोई रूल नहीं है कहीं पे भी एस्टिमेशन के ऊपर बात होती है मैं आपको एक बात बताता हूँ गूगल पे आप जब रैंक करते हो किसी भी ई e बुक के लिए लेट सपोज आज आप किसी बोल रहा सॉरी किसी भी आप आप कोई आर्टिकल लिखते हो मैं नहीं बोल रहा एसोसिएट्स के लिए लिखते हो मैं ये नहीं बोल रहा ई e बुक के लिए लिखते हो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना प्रोडक्ट रैंक करवाना चाह रहे हो आप उस ऑर्गेनिक की के ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक करवाना चाह रहे हो लेकिन इट इज पॉसिबल कि आप नंबर वन पर हो हाँ नंबर वन यूजली सबसे ज्यादा क्लिक्स लेके जा रहा होता है हो सकता है आपके नंबर टू का टाइटल कुछ ऐसा हो कि नंबर टू पे ज्यादा क्लिक्स आना नंबर वन से ज्यादा दीज थिंग्स हैपन सेम गोस विद एमेजोन केंडल सही है आप टॉप टेन बुक्स के देख लो हो सकता है जो सातवीं बुक हो वो तीसरी बुक से ज्यादा कमा रही हो जो पहली बुक हो वो दूसरी बुक से कम कमा रही हो हो सकता है तो ये भी एस्टिमेशन हैं। सही है दे इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल मैं तुम लोग को कैलकुलेटर दे दूंगा लेकिन ये सिर्फ एस्टिमेशंस हैं, Amazon अब तुम लोग अपने दिमाग में and like I said mentioned out don't feel logged in these in by these numbers but use them as a guide use them as a guide हम लोग के पास लाइफ में जो जो लोग डेटा एनालिटिक्स करते हैं जो डेटा ड्रिवन अप्रोच रखते हैं वो कहीं पे भी जाते हैं तो वो कोई एग्जाम्पल तो उठानी पड़ती है ना कोई डेटा पॉइंट तो उठाने पड़ते हैं ताकि उससे कोई लर्निंग हो तो वो उस चीज को सामने रखे और फिर उन चीजों को देख के फिर अपने नजर में एक एक चीज उतारे उता हाँ यार चलो अगर मैं इतना कर लेता हूं तो इतना शायद मैं पहुंच जाऊं तो फिर उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है अच्छा चलो ठीक है आई ट्राई टू एम ओवर देयर एम के लिए कुछ तो आपको एक एक पाथ देना पड़ता है ना तो एमेजॉन बेस्ट सेलर रैंक और एस्टिमेशंस कितनी वो पर डे सेल्स कर रहा होगा सही है ये सारे आप अपने दिमाग में उतार लो पहली स्वीट स्पॉट की तरफ लेके जाऊंगा कि आप लोग को क्या एम रखना है ठीक है सेकंड रुकिएगा जरा आप लोग जी सो लुक एट हाउ एग्जिस्टिंग बुक्स आर रैंकिंग पहली बात तो आपको ये करनी है पहली चीज आपको ये करनी है कि आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट करी और आपने बोला कि यार बुक्स जो रैंक कर रही हैं वो अभी किस तरह रैंक कर रही हैं क्या उनका क्या पोजीशन है उनकी BSR पे और बाकी सारी चीजें वो भी मैं आप और डिटेल में बताऊंगा जैसे यू शुड बी एबल टू फाइंड एटलीस्ट फ्यू बुक्स इन दर्स्ट ट्वेंटी I'll repeat that. General rule of thumb. Kya hai? First 20 search results mein, search sales rank number that is smaller than 100,000 is cheese third point. If you find six books in the top 20 search results for for say.

टेक अवेरे बात का मैंने निकाल दियाज अ गुड चांस ऑफ सेलिंग वेल टू स्पेशन नंबर स्पेशलीफ द कॉम्पिटिशन नंबर फ्रॉम आर बिलो सिक्स थाउजेंड सर्च रिजल्ट नाउ इफ यू बी टू कॉट अपन इग्नोर द लास्टेंस इफ यू आर गेटिंग टू कॉटअप वर्ना गेट द जस्ट ऑफ इट वर्क अराउंड एंड आईव मैं हियर डोन्ट फील टू लॉक्ड इन ऑन दीज नंबर ठीक है आइडिया हाँ, लेने के लिए इंसान को कोई जरूर एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है आगे बढ़ते हैं नाउ सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट टू फाइंड गुड बुक्स इन योर कैटेगरी नो रॉकेट साइंस कोई टूल हम लोग बाद में टूल्स वगैरह यूज करेंगे चीजें यूज करेंगे अभी के डी पाई नहीं है मेरे पास लेकिन वट्स सिंपलेस्ट वे बेस्ट वे बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर में आ जाते हैं हम किंडल के और ये लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूं एक मिनट रुकिएगा बिटली पे प्रोवाइड कर देता हूँ मैं आप को ये ये लिंक कॉपी करके अपने ब्राउजर पे पेस्ट कर दो अगर तुम लोग खोलना चाहते हो तो वरना तुम लोग मेरी स्क्रीन देख लो सिंपली जरूरत नहीं पड़ेगी तो अभी हम चलते हैं amazon बेस्ट सेलर्स के ऊपर हम आ गए amazon बेस्ट सेलर्स वो भी खास कर ई बुक्स के सेक्शन में ठीक है अब तुम लोग ने क्या करना है ये समझना तुमको अभी मैं बात कर रहा हूं नॉन फिक्शन और फिक्शन पे अभी मैं नहीं आया ये स्पेसिफिक एरिया आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो फिक्शन में राइट बट प्रॉब्लम विद फिक्शन आई मीन नॉट एज एन इशू राइटिंग इन फिक्शन बट लोगों को समझ आएगा ठीक है, अभी मैं फिलहाल इधर बात करता हूँ तुम लोगों क्या करना है कि तुम लोग ने अपनी कैटेगरी जिसमें भी तुम लोग ने सोचा हुआ है कि यार मुझे इस कैटेगरी में लिखना है एंड एज पर से मैं बात कर लेता हूँ लेट सपोज

एमेजॉन बेस्ट सेलर पर जब आप आते हो और ये मैंने Associates में भी बात कही थी मैं फिर रिपीट कर लेता हूं, अगर आपको माइक्रोनेश की तरफ आना है तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी एड एमेजॉन बेस्ट सेलर मतलब जस्ट है लुक कितने अच्छे से उन्होंने हर बात को कैटेगराइज करा हुआ आई जम्प इन डॉग्स डॉग्स पे आने के बाद भी मजीद मुझे और तो तो like right? तो अभी, अभी सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं बोलता हूं कि मैंने इस नेश को एग्जाम्पल लेना है तो अब मैं आपसे बोलूंगा आपको अपनी कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी है क्योंकि क्योंकि इन शाह यू वांट टू सी योरसेल्फ सेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट सेलर ऑन एमेजोन फॉर दैट टू हैपन यू हैव टू हैव टू हैव टू कंडक्ट कॉम्पैटिटर रिसर्च दे आर नो इफ्स एंड बट्स आपने ली केडीपी डी निश रिसर्च मेरी शीट अभी मैं जो इसमें वैसे कुछ और इट uh, इज हाईली लाइकली uh, कि इसमें मैं और कैटेगरीज भी डालूंगा अभी एक सेकंड तेरा मैं ये कुछ और चीजें कर दू तो द डॉग हु एंड दिस वन रहा ठीक है आपने क्या करना है आपने इसको कॉपी करा एज इट इज जैसे मैं अभी कॉपी कर रहा हूं कंट्रोल सी दबाया और जाके जब आप यहाँ पेस्ट करेंगे तो वो एज इट इज विद लिंक यहाँ पर आ जाएगा विद लिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ठीक है नंबर कितनी कम से कम कोशिश करो मतलब रिसर्च तो अपनी जितनी भी कर, करते रहो कोई मसला नहीं है इसमें ठीक है रैंकिंग क्या है उप्स दिस इज इन डॉलर्स दिस शुडंट बी इन डॉलर्स नेवर माइंड ठीक है अब ठीक है तो तुम लोग को क्या करना है इस पे इस शीट पे तुम लोग को एक तुम लोग ने बुक ली और तुम लोग ने बोला कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा मुईस ने तो अभी क्राइटेरिया दिया इट्स टू कंफ्यूजिंग टू कॉट अप दिस एंड दैट बस तुम लोग कुछ नहीं करो तुम लोग वो कुछ नंबर याद रख लो कि तुम लोग ने चार से छह बुक्स निकालनी है जिनकी रैंकिंग इससे लेके इसके बीच में होगी और ये सारी चीजें ठीक है तो तुम लोग ने बोला कि मैं मैंने 20 20 बुक्स निकाली तुम लोग ने लेट्स सपोज लेट्स जस्ट से कि तुम लोग ने 20 बुक्स निकाली और 20 बुक्स उठा के तुम लोग ने यहाँ पे जोने डाल दिया <coughs> या टॉप 20 जो मैंने तुम लोग को अभी वो बताया था जिस तक का टोटल पेजेस अब क्या चीज है इंपॉर्टेंट है जब तुम लोग बुक की रिसर्च कर रहे होगे कंपटीटर रिसर्च कर रहे होगे अब जैसे मैं इस बुक की बात कर लेता हूं तो इसके ऊपर जाते हैं एंड आईड बी नीडिंग ऑल दिस फ्रॉम यू गाइस ठीक है तुम लोग ने इसकी ये नाम लिया तो ये तो नाम कॉपी हो गया तो जस्ट यू कैन लीव इट लीव दिस पार्ट रेटिंग्स टोटल कितनी है ठीक है 557 एज यू कैन सी 577 हो. वाओ कैन यू गाइस बिलीव दिस कि मैंने ये तुम लोग के लिए लाइक uh, like, सुबह में ये शीट बनाई थी एंड इतनी देर में ये 577 पे आ गई है नाइस nice. ठीक है 577 एंड डोंट वरी अबाउट इट मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा अपडेट क्यों नहीं कर रहे अपडेट क्यों नहीं कर रहे बस उस वक्त कितनी थी तुम लोग वो डाल दो 577 रेटिंग है और 4.4 इसकी टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स जो इसको दी हुई है 550 577 है ओवरऑल रेटिंग जो है इसकी वो 4.4 है टोटल पेजेस कितने हैं इसके 264 पेजेस ठीक है 264 पेजेस बी एस आर क्या है इसका and I just took that out रिलेटेड तुम, लो like, I, I तुम लोग ट्रेनिंग के 20 books यहां पर डाल दी very गुड लेकिन तुम लोग गुड पॉइंट एंड बैड पॉइंट अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक लिखने पड़ेंगे अब तो तुम लोग को book नहीं पढ़ सकते मैं तुम लोग से ये तो नहीं कह रहा कि तुम लोग जाके वो बुक पढ़ना स्टार्ट करो तो वॉट डू यू गाइज नीड टू डू reviews यू हैव टू गो इन बुक जस्ट गिव इट लुक थोड़ा देखो क्या बात हो रही है वेरी time ऑन सीनरी वे टू मच टाइम ऑन हंटिंग टू लिटिल टाइम ऑन dog's पर्सनैलिटी ओके okay. uh, एक दो और पढ़ते हैं हम जरा। है। सही

कि जब तुम लोग अपनी बुक लिख रहे होगे तो तुम लोग किन पॉइंट्स के बारे में ज्यादा नहीं लिखना ज्यादा बात नहीं करनी एक और किन पॉइंट्स को को खास कर तुम लोग डालना है जो उस कैटेगरी में रीडर्स उसको पसंद कर, पढ़ना पसंद पढ़ना करते हैं एंड ट्रस्ट मी टेक माई वर्ड ऑन इट इफ पीपल आर रीडिंग दैट बुक इन साइड आउट गिविंग योर रिव्यूज तो फर्स्ट इंप्रेशन तो चलो ठीक है तुम लोग जीत गए वहां पे केडीपी सेलेक्ट के लिए तुम लोग ने करा

Once they go out and about reading that particular book, and then they find out this book is a total crap, that's when they go out and give you a negative review. In order to avoid that, you have to keep this in mind that. अपनी रिसर्च, अपनी उस पर्टिकुलर एरिया में जहां तुम लिखने जा रहे हो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके रख लो ताकि तुम लोग को पता हो कि यार मेरे कॉम्पेटिटर के बारे में यह चीज बुरी लिखी भी है मैं ये चीज नहीं कवर करूंगा ठीक है सो so, एक चीज तो यह गई चलो तो ये मैं बहर भाई कॉम्पेटेटिव रिसर्च वाली मैंने तुम लोग से यहाँ पे डॉग भी शेयर कर दी है तुम लोग दे तो देख लेना इसमें मैं कुछ चीजें और ऐड करूंगा प्रॉबेबली हेयर एंड देयर मेरे सेकंड क्लास का वेट कर लो सेकंड क्लास इसकी मतलब जो नेक्स्ट क्लास है उस जब मेरी रिसर्च वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा देन यू गाइस आर गुड टू गो मतलब अभी फिलहाल तुम लोग अपनी चीजें रेडी करके कर रख लो लिंक्स तो होंगे ना तुम लोग के पास ये लिंक्स के ऊपर दबा के अगर कोई मैं कॉलम्स ऐड करता भी हूं तो तुम लोग बाद में वो चीजें ऐड कर देना फिलहाल तुम लोग चाहो तो जस्ट फॉर द सेक के यार रिसर्च करते कैसे एंड ऑल दैट तुम लोग करके देखो जरा चेक करो क्या रहता है और तुम लोग को एक ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड वर्ड्स जाते e पे. तो तुम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कितनी बुक कितना ज्यादा कॉन्टेंट जा रहा होगा दैट मेक्स इट अलॉट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली In fact, I'm, uh, I might be wrong over here. Yeah, no, it's okay. It's a lot of words. Anyhow, so uh, this seems like, if I 264, 264 into, let's suppose 300, 79,000 words, let's, that's like 80,000 words, round it off. 80,000 words. <clears throat> I must be like, hey, यार, आपने तो शीड्स की बात करी थी आप फिक्र ही नहीं करो मैं आपको ऐसी भी है शॉर्ट रीड्स भी होती है ऐसी बात नहीं है थ्री थाउजेंड वर्ड्स की भी होती है बुक्स ये तो सिर्फ मैं तुम लोग को एक आइडिया दे रहा हूँ बहरहाल <coughs>

जो मैंने तुम लोगों को नॉन फिक्शन के लिए दिए हैं खासकर ये रेप्लिकेट एग्जैक्टली exactly नहीं होते फिक्शन राइटिंग के लिए बिकॉज़ फिक्शन राइटिंग इज मोर अबाउट अ पीस ऑफ आर्ट इट इज एक्सट्रीमली अबाउट पैशन आई एम नॉट सेइंग कि ये पैशन के बारे में नहीं है लेकिन वो सिर्फ पैशन के बारे में अगर आप ये समझते हो कि आप अपने आप को किसी ऐसे कैटेगरी में धकेलना चाह रहे हो

ट हैव इट इन यू एंड यू थिंक अबाउट के जे के रोलिंग जो है वो अपने हैरी पॉटर स्टोन को लेकर नंबर वन या नंबर टू पर आई भी है एंड यू थिंक दैट यू गोन बीटर और बी समेर क्लोज या बी एस आर अच्छी रैंकिंग लेके आ जाते हो डिस्पाइट द फैक्ट तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है नहीं कर सकते दिस इज वॉट आई फील फिक्शन राइटिंग के लिए डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं ठीक है लुक एट द जॉनरा कैटेगरी यूटी इन अप्रोच टू से जो मैंने अभी बात बोली है यू कैन नेवर बी इंस्पायर्ड बी पैशनेट अबाउट कैटेगरी ट्रस्ट मी बी लॉन्ग इनफ टू सी योर सेल्फ रैंकड इन दिस कैटेगरी काफी मसले होंगे तुम्हें पिक वन जॉनरा इफ यू वॉन्ट टू राइट एंड आई एम नॉट सेन नॉट राइट आई ऑल आई एम सेंगे यूड रियली बी हैप्पी राइटिंग एन And can write for years to come, that is two to ten years, or even for a lifetime. And I'm not saying that you have to write in that category for a lifetime, but you should have the passion to write about it so much. I'll tell you guys something. I was 16 years old. Uh, I'm, I'm right now 32, will be 33 by this year. I was 16 years old when, I've, uh, start, when I was into electronic sports, uh, gaming. Uh, 18 साल का था मैं दो साल के बाद जब मैं वर्ल्ड साइबर गेम्स जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का वो मैं नेशनल लेवल पे जीता यहाँ पे हम लोगों ने कोई तकरीबन 100-200 टीम्स को हराया था पाकिस्तान से आ, किसी एक कैटेगरी में और हम हम लोग फिर यूएसए सी के लिए क्वालिफाई हो गए थे जहाँ पे 70 मुल्कों की 70 बेस्ट टीम्स आई थी कॉम्पीट करने के लिए बोस्ट अमेजिंग डब्ल्यू सी जी वर्ल्ड साइबर गेम्स टू की बात है ये

सिर्फ ऑफि तेईस या चौबीस साल या पच्चीस साल की उम्र में जाके मैंने क्विट करी थी तो इट वॉज लॉन्ग टेन टू इलेवन ईयर्स इन दिस कैटेगरी एंड आई स्टिल लॉट ऑफ नॉलेज सो आई कैन थिंक थिंक अबाउट अबाउट कैन स्टिल राइटिंग इन दिस कैटेगरी एंड आई कैन कीप ऑन राइटिंग अबाउट इट फॉर एनदर टेन ईयर्स टू कम सो यू शुड बी सो पैशनेट अबाउट योर कैटेगरी आपको पता हो डीप डाउन साइड के यार आई विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ दिस टॉपिक नेवर इन माई लाइफ दिस इज अबाउट फिक्शन राइटिंग फिक्शन राइटिंग एम्स कैटेगरी आप अपनी ये वाली रिसर्च जो है ये वाली कर लें। लेकिन अपनी सुपर सुपर हार्ट को पैशनेट निश के अंदर ठीक है ये आप कर लें फिर आप रिसर्च करें तो समझ आती है फिर समझ आती है फिर समझ आती है कि आप करें और किए सब कुछ और आप देख भी सकते हैं कि जेके रोले की वाली बुक नंबर टू पे बैठी हुई है सो इट्स नॉट इजी ये जो नाम आप लोग देख रहे हैं सामने ये आप लोग काफी सारे नाम ऐसे हैं जो आप लोग को पता होंगे बहुत बड़े नाम है ठीक है तो या दैट्स दैट तो Amazon House of Rules एंड रेगुलेशन के ऊपर हम एंड करेंगे इस नोट को और फिर हम लोग रिसर्च के ऊपर थोड़ी और बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में Amazon House of Rules क्या बोलते हैं नो डुप्लीकेट कॉन्टेंट इज अलाउड इवन इफ योर बुक एंड इवन इफ इट इज योर बुक एंड यू हैव द कॉपी राइट विच इज अवेलेबल ऑनलाइन एट अनदर प्लेस

मैं अभी प्राइजिंग के बारे में बात नहीं कर रहा ये आखिरी पार्ट है प्राइज मैच का और आपने वो लगाई दिया और वो एमेजोन पे भी आपने अपलोड कर दी अब क्या होगा एमेजोन आपको ईमेल करेगा एमेजोन बोलेगा कि आपकी ये बुक जो है ना हमें मिली है एक और वेबसाइट के ऊपर सो आर क्वेश्चन इज कि क्या आपके पास कॉपीराइट्स हैं इस बुक के इफ सो so, हमें प्रूफ चाहिए एंड देन न गो अबाउट मतलब उस बुक को मतलब आप एमेजोन पे पर कर दो फिर एमेजोन अलाउ कर देगा ठीक है लेकिन अब मैं डायरेक्टली इस वाले के पे वो योर बुक वर्जन शुड ओनली बी अवेलेबल ऑन एमेजॉन इफ यू वॉन्ट टू डू के डी पी सेलेक्ट पेपर बैग कैन बी अवेलेबल एनी वेर एल्स डू नॉट पब्लिश एल्सवेयर इन नाइनटी डेज पीरियड स्पेशली 90 डेज का पीरियड होता है, पांच दिन के प्रमोशन होती है पांच दिन के प्रमोशन के लिए तो के बाकी दिनों के लिए उतार के बैन कर सकता है अगर आपने उस बुक को कहीं और पब्लिश किया तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लिंक कर दो अब आ जाते मोस्ट ऑफ हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड एंड नाउ एमेजोन डज नॉट ऑफ अर के डीपी सेलेक्ट ऑन पब्लिक डोमेन बुक्स पॉइंट जो आपको ऑफ द रैकेट बता रहा हूं पब्लिक डोमेन बुक के ऊपर लोग आप लिखना नहीं चाहते रिस्की फील करते हैं कुछ लोग बोलते हैं मत लिखो और कुछ लोग बोलते हैं यार रिस्की है मतलब आई डोंट नो ठीक है तीसरा के डी पी सेलेक्ट नहीं होता आपके पब्लिक डोमेन बुक्स के ऊपर तो आपकी एक बहुत बड़ा प्रमोशनल जो आपका एस्पेक्ट है जिसकी वजह से आप कर सकते हो यूल बी मिसिंग ऑन दैट so this, this is the thing about so technically you can write about public domains book but amazon itself has conducted research on public domain books and this is what they say ke, most of the public domain books have already been covered and they're out and about and stop writing over it even if you write it we won't qualify it for kdp select this is your information regarding the public domains कॉपीराइट लॉस क्या है यू शुड हैव यू शुड ओन एवरी इंच ऑफ योर बुक एंड शुड बी एबल टू प्रोवाइड लाइसेंस इफ आस व्हिच मीन्स आपके पास अगर बुक के कवर के ऊपर कोई पिक्चर भी है तो आप उसका लाइसेंस दिखा सकते हो अगर आपने वो शटर स्टॉक से कहीं और से उठाई है तो आप बता सकते हो कि देखें ये एक मैंने शटर स्टॉक से उठाई है दिस इज द लाइसेंस मिलता है और राइट टू यूज दिस पिक्चर तो अगर आप फाइवर से भी बनवा रहे हो तो आप उससे बोलो कि आई नीड दॉपी राइट लाइसेंस टू इन ऑर्डर कल को अमेजोन मुझसे बोलता है कि हमें आपका लाइसेंस देखना है बिकॉज हमें इशक है आपने कॉपी राइट इशू मारा है इसके ऊपर तो फिर आप दिखा सकते हो ठीक है लास्ट पॉइंट प्राइज मैच सो वॉट इज प्राइज मैच द प्राइज मैच इज आपकी वो आपने अपनी पर्सन आपने अमेजोन पे वो बुक लगाई दी है तीन चार डॉलर की और अपनी वेबसाइट पे आप उसको बेच रहे हो डेढ़ डॉलर की या नाइनटी नाइन की या एक डॉलर की वॉट एवर दैट इज एमेजोन बोलता है कि अगर किसी बंदे ने रिपोर्ट कर दी आपकी वो बुक या एमेजोन को खुद से पता लग गया कि आपकी वो बुक एक और वेबसाइट पे इतने कम में मिल रही है एमेजॉन उस आपकी बुक को उस प्राइस पे मैच कर देगा क्योंकि अमेजॉन बोलता है कि हमसे ज्यादा कम पे आप कहीं और नहीं बेच सकते बराबर पे बेच दो तो भले अगर तो आप के आप फिर वही बात बात बाकी बाकी बातें याद रखना जो मैंने ऊपर बोली है आप कर सकते हो लेकिन प्राइस मैच वाला अपना पॉइंट याद रखना नंबर टू अगर आप फ्री में दे रहे हो अपनी वेबसाइट पे और आप एमेजॉन पे आप दो तीन डॉलर की बेच रहे हो तो फिर क्या होगा अब सवाल यहां आता है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर वो बुक बेच रहे हो लेट्स से फ्री और अमेजोन एमेजॉन उसको फ्री करेगा आपकी बुक को और पूरी जिंदगी उसको फ्री कर देगा और बोलेगा अब बच्चू तुम करके दिखाओ उसको हम इसको करने नहीं देंगे काफ़ी लोगों को ट्रबल हुआ है आई वोट रिकमेंड यू कि आप इस तरह की हरकत करो तो मैं आप लोग को ये एक पॉइंटर देना चाह रहा था कि आप लोग होशियारी ही नहीं करना कि वर्ड ऑफ माउथ को फैलाने के लिए अपनी वेबसाइट पे जाके फ्री दे रहे हो और एमेजॉन पे पैसों की बेच रहे हो ठीक है इस तरह की चीज नहीं करना सो या दैट्स नाउ

वीवीआर वाले और ये सारे सेशंस ले रहा ये ऑफ द रेकेट होंगे ये मतलब देखना पड़ेगा मुझे ये मुझे आ, थोड़ा अलग से लेने पड़ेंगे आप लोगों के साथ लेकिन मैं इनके ऊपर बिल्कुल आखिर में बात कर रहा जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो हमी ही कलिम का है अपार्ट फ्रॉम राइटिंग एंड कवर डिजाइनिंग व्हाट अदर केटीपी सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय अस एज फ्रीलांसर्स निश सिलेक्शन कॉम्पिटिटिव रिसर्च कौनसी के डीपी की में आपको लिखना चाहिए uh, uh, car, car कि हम लोग को कहाँ लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए और uh, कितने वर्ड्स लिखने चाहिए यही पूरी रिसर्च आप करके दे सकते हो रिसर्च इट सेल्फ एज अज मतलब जनरली रिसर्च इज काउंटेड लाइक क्रेजी के आर मतलब तो बेहतर है आप रिसर्च की तरफ भी जा सकते हो एहतेशाम लेटर अ विलकिटन 1 हॉरर एस जनरा कंप्यूटर और नॉट टूज़ लाइक एचएफएस वर्क अदर देन केडी स्पाई आहा दे डू दे डू बट केडी स्पाई इडली यूज करो तो मैं बेहतर समझूंगा नॉट एचएफएस दैट्स अनदर थिंग बट केडी स्पाई को यूज करो मैं बोलूंगा एज़ अमेज़न डजंट कवर केडी स्पाई ऑन पीडीबी पब्लिक डोमेन को तो मैंने तो आप लोगों को पब्लिक डोमेन्स का वैसे ही बता दिया तो मेरे ख्याल से दैट दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन मेरे ख्याल से बेहतर है मतलब मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पब्लिक डोमेन्स के ऊपर लिखो uh, मैं कैटर नहीं कर रहा हूं ये एरिया क्योंकि मैंने आप लोगों को इसका रूल बता दिया है थोड़ा सा इशूज है इसमें तो मैं अगर आप लोग का गोल अचीव कराने में हेल्प नहीं कर सकता तो मेरे ख्याल से मेरा कोई पॉइंट नहीं है कि मैं आपको उसमें लिखवाने में हेल्प करूँ uh, क्योंकि मैं तो आप लोग को साफ बता रहा हूँ कि मैं नहीं समझता कि आप लोग को लिखना चाहिए पब्लिक डोमेन्स के ऊपर मुर्तजा वॉट काइंड ऑफ प्राइसिंग शुड वी बी लुकिंग

पेजेस लिख सकते हो, एंड इसके ऊपर यू कैन गो अबाउट राइटिंग अबाउट वेट लॉस आफ्टर फोर्टी जस्ट अबाउट फिफ्टी सेवन अच्छा गाइस कैन यू गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट कौन से तुम कौन सी स्लाइड के बारे में बात करना चाह रहे हो आई थिंक यू मीन इज दिस वन आई डोंट नो फिफ्टी टू बट नॉट ए प्रॉब्लम नॉट अ प्रॉब्लम देखो यहां तक तो मुझे पता तुम लोग समझ आ गई है यह तुम लोगों को और समझ आ जाएगी दीज आर सर्च रिजल्ट जस्ट लाइक डी सी सर्च रिजल्ट इन गूगल एंड मैंने तुम्हें बताया कि तुम लोग अपना आखिरी वाला पॉइंट इग्नोर कर सकते हो बट जस्ट सेंगे ये तो मैं गूगल की बात कर रहा हूँ ना दीज आर दर्च रिजल्ट बट सकता है इतना, Because Google में तो तो आती है ना ये, मैं जब बात कर रहा हूँ इस इधर तो मैं लोग से बात कर रहा हूं कि टोटल ऑन एन एवरेज तुम लोग कितने सर्च रिजल्ट देख सकते हो उसके अंदर ठीक है सो आई होप यू गेट द आइडिया बट चाहो तो एंड इफ यू गैस वॉन्ट मैं असल पॉइंट जो है तुम लोग के नोटिस में लाने के लिए द रियल पॉइंट इज एक्चुअली दिस वन ठीक है इज दैट ओके ओके

आप डिफरेंटली ले सकते हो डैट इज योर ओपिनियन एंड ऑबली आई रिस्पेक्ट दैट बट फिक्शन इज एन आर्ट पीस इन माई ओपिनियन इफ समन हैज्लेज कंट्रोल ओवर इट एंड दे नो थिंग इन साइड आउट दे कैन बी सो क्रिएटिव इन दैट कैटेगरी यू कैन गो अबाउट राइटिंग इन एट और गेट इट रिटर्न इफ यू नो समन फॉर अ फैक्ट कि वो इतना ज्यादा सॉलिड अपना वो रखता है ठीक है And then do your uh, competitor research. Don't do ke, pehle competitor research. Karne ke baad baad mein. Pehle find someone who has hands on experience in fiction category. Asa, jabbar, how to rank fiction books? It's not keyword dependent, so it's searchable. No, it is keyword dependent. Why is it not keyword dependent? It is keyword dependent. Uh, it, it's not keyword dependent, so it's searchable. How many resources are required to earn 2000? ये फिर आ, आ, ये अच्छा सवाल है तुम्हारा लेकिन दिस रिक्वायर्स कैलकुलेशन और ये मैं तुम लोग को अभी फ्यूचर में बता तो आई कैन नॉट नॉट पुट सम लाइट ओवर दिस येट ये थोड़ा डिटेल में तुम लोग को समझाऊंगा बिकॉज इससे रिलेटेड मैंने कुछ स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करी है तुम लोग को समझाने के लिए जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया है कि तुम लोग को मैंने बताया था ना कि सर्च वॉल्यूम हो तो सर्च वॉल्यूम इतना हो तो उसके बाद इतना आप अर्न करें तो उसी तरह मैंने इसका भी एक पूरा फ्लो बनाया है कि एक पेज के ऊपर जो है आपकी टोटल जो अनलिमिटेड में और वो आपका कोई पेज पढ़ता है के Kindle, सही है तो फिर वो उस एक पेज के ऊपर अमेजोन उस एक पेज को काउंट करता है वो पूरी बुक को नहीं काउंट करता तो आपको एक पेज के लिहाज से कितने पैसे मिलते That is a whole working over there. theek hai तो I cannot just go about telling you in this specifically कि aap bas itna karo to itna ho jayega It's not that easy. इसका थोड़े से zyada technical mujhe calculation lagi और mujhe I had to go back and forth to calculate this. Then we provided details uh, to the sir uh, which BSR is the best target. Uh, no, मैंने ये पूरा uh, provide तो कर दिया ना तो sweet spot go uh, just go through my slides you will understand. Just go through it one more time you will understand कि आपका sweet spot क्या है। You can just aim that. Shiraz Khan writing or, on tech, it's fiction or non. Writing on tech is non fiction. You're writing on tech, you're giving facts and figures. That's non fiction. Yeah, it is a good niche. Say, so yeah. Uh,

ठीक है? मैं शेयर कर चुका हूँ स्लाइड का लिंक आप लोग आपस में एक दूसरे से मांग लो आई एम श्योर आप लोग एक दूसरे के साथ ग्रुप पे एडिट हो गए क्लास के शुरू में मैंने शेयर कर ली थी लिंक आ, नहीं कर रहा नोट वरी